पहले ही बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी लर्निंग के बाद। अगर आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं तो उसके बाद में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराने के बाद में मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आज हम धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। देखिए बहुत सारे मैं एक्शंस लेके आया हूँ और ऐसे एक्शंस जो ज़्यादातर आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, क्योंकि हमें वही सीखना है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी किस लिए है, जिससे कि हम लोगों से बातचीत कर पाए, अपनी बातें खुल के कह पाए। तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने कंटिन्यूस की प्रैक्टिस नहीं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस नहीं लगाई है, तो पिछली वीडियो में मैं दे चुका हूँ, आप वहाँ से प्रैक्टिस लगाएं और इसकी प्रैक्टिस मेरी स्टार्ट करते हैं अभी, है ना आपकी प्रैक्टिस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पहले बता चुका हूँ कि जो भी काम खत्म हो चुका है और उसका अभी असर प्रेजेंट में बाकी है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर हैज और हैव दो टाइमिंग वर्ड्स होती हैं, वो आपके साथ थर्ड फॉर्म आती है, बताया था आपको पहले ही ऑलरेडी। तो आज हम उस पर ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर के साथ में हैज आता है और आई और प्लूरल के साथ में हैव आता है। चलिए देखिए हमारा स्ट्रक्चर है, मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है कि यू एक्शन, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है जैसे कि हैव, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या लिख दिया हमने, हैव यू एक्शन। हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, यस आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर नो को आंसर देते हैं तो नो आई हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। एक्शन की जगह ये एक्शंस लगाने हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे कि मैंने एक कोई भी एग्जाम्पल उठा दो, जैसे लॉक द डोर, पहला एग्जाम्पल उठाया हमने लॉक द डोर। लॉक द डोर का मतलब होता है दरवाजे का ताला लगाना, दरवाजे का ताला लगाना, जैसे कि कोई गेट है उसका आप ताला लगा रहे हैं, ठीक है, की से, तो वो होता है लॉक द डोर। तो मैंने लॉक द डोर को लिया और यहाँ पर एक्शन के साथ लगा दिया, तो कैसे बोलेंगे, हैव यू लॉक्ड, क्योंकि लॉक के साथ में ईडी आएगी क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो हैव यू लॉक्ड द डोर, यस आई हैव लॉक्ड द डोर। क्या आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, सॉरी लॉक लगा दिया है, हाँ मैंने दरवाजे का लॉक लगा दिया है। और नहीं लगाया है तो कैसे बोलेंगे, नो आई हैव नॉट लॉक्ड द डोर, मैं दरवाजे का लॉक नहीं लगाया है, इसी तरीके से बोलेंगे हम। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके साथ में आप सिर्फ आपको एक्शन उठा के रखना है और कुछ नहीं करना बस। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आपने पहले भी लगाए होंगे और अभी भी लगाने हैं आपको, ठीक है। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया अभी हम वॉच मूवी, ये रहा वॉच मूवी, मतलब होता है मूवी देखना। तो मैंने कहा कि क्या तुमने मूवी देखी है, क्या तुमने मूवी देखी है, तो मैंने बोला कि हैव यू वॉच्ड मूवी, क्या तुमने मूवी देखी है। और आपने अगर देखी है तो आप कैसे बोलेंगे, यस आई हैव वॉच्ड मूवी, हाँ मैंने मूवी देखी है। और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो कैसे बोलेंगे, नो आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी नहीं देखी है। ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया, ये आपका अफर्मेटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ठीक है। तीनों सेंटेंसेस कवर हो गए यहाँ पर। मैं आपसे बोल दूँ कि हैव यू नॉट वॉच्ड मूवी, क्या तुमने मूवी नहीं देखी है, तो आप बोलो नहीं, नो सर आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड मूवी, नहीं नहीं सर मैं तो पहले ही देख चुका हूँ मूवी। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं ना। तो क्या बोलना है आपको, हैव यू वॉच्ड मूवी, यस आई हैव वॉच्ड मूवी, नो आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी। वॉच मूवी की जगह आप कोई भी एक्शन लगा सकते हैं थर्ड फॉर्म के साथ में, जैसे कि दूसरा हमने उठाया, यहाँ से हमने लिया गो टू मार्केट, मार्केट जाना। अब हम बात कर लेते हैं, यू की बात कर ली, आई की बात कर ली, हम बात कर लेते हैं सिंगुलर की, यानी ही की। तो हैज ही गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट गया है, गया है तो यस ही हैज गॉन टू मार्केट। आपका कोई भाई है और आपने उनसे बोला कि भाई वो सामान लेके आना था, तो मार्केट गया है कोई, बोला हाँ गया है ना, वो मार्केट गया है, तो क्या वो मार्केट गया है, हाँ क्या वो मार्केट गया है, हैज ही गॉन टू मार्केट, यस ही हैज गॉन टू मार्केट, हाँ वो मार्केट गया है। और बता दिया कि भाई नहीं गया, वो तो यहीं पर है, तो कैसे, नो ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं गया है। गो की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पर गॉन। और बाकी देखिए ये जो एक्शन है ना, बस एक्शन में क्या है कि ये जो स्टार्टिंग का है, ये देखिए लॉक, ओपन, क्लोज, पुश, अनलॉक, डेकोरेट, डू, बाय, टेक, 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 वॉश, सिंग, फोन, इनके साथ में आप, ये वर्ब हैं और वर्ब के साथ में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको इसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, इस पूरे के साथ नहीं। एक्शन का मतलब होता है, यहाँ पर जो एक्शन का मीन्स निकल के आया है ना, वो आया है एक को कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए प्रॉपर वर्ड। आप वर्ब स्टार्टिंग की वर्ब होती है, ठीक है, ये समझ लें आप। इनको मैं सबको एक्शंस कह रहा हूँ,
ठीक है, आप इसको वर्ब भी कह सकते हो, वर्ब और पीछे ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है मैंने इसमें, जिससे कि सेंटेंस पूरा बन सके। ठीक है गाइज, अच्छा अब हम बात करते हैं, दूसरा कोई और ले लेते हैं, हमने लिया। चलिए पहले आपको इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ कि हिंदी क्या है इन एक्शंस की। लॉक द डोर, दरवाजे का ताला लगाना, क्लियर। ओपन द डोर, दरवाजा खोलना। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करना। पुश द डोर, दरवाजे को बंद करना, जैसे पुश का मतलब होता है दरवाजा है उसका थोड़ा सा आपने बंद कर दिया, ठीक है ना। अनलॉक द डोर, इसका मतलब दरवाजे का ताला खोलना, चाबी से ताला खोलना। डेकोरेट द रूम, कमरे को सजाना, कमरे को सजाना। डू अप द रूम का मतलब होता है, डू अप टू द रूम का मतलब दरवाजे रूम को सजाना, इसका मतलब भी होता है उसकी तरीके से उसको संभालना रूम को, ठीक है। बाय न्यू क्लॉथ, नए कपड़े खरीदना। नेक्स्ट है आपका टेक अ बाथ। देखिए यहाँ पर टेक भी यूज हुआ है और बाथ भी यूज हुआ है। टेक का मतलब लेना होता है, बाथ का मतलब नहाना होता है, यही तो बात है। लेकिन जब टेक अ बाथ आएगा इसका मतलब होता है नहाना। अच्छा नहाते हम कितने तरीके से हैं, कई तरीके से नहाते हैं। कौन कौन से? एक तो नॉर्मली हमने पानी भरा और नहा लिया, एक होता है शॉवर से नहाना, जो फुवारा होता है ना उससे नहाते हैं, और एक होता है किसी भी तालाब वगैरह में या फिर स्विमिंग पूल में कूद के नहाना, डुबकी लगा के नहाना, इस तरीके से नहाते हैं। तीन तरीका होता है नहाने का, चौथा भी होता है क्या? मेरे हिसाब से तीन होते हैं ना, तीन होते हैं तो तीनों को कवर किया है मैंने। कैसे? टेका बाथ नहाना, टेका शावर शावर से नहाना, और टेका डिप डुबकी लगा के नहाना, स्विमिंग पूल में डुबकी लगा के नहाना, तालाब में, पोखर में, कहीं भी जहाँ पर भी आप नहा रहे हैं उन सब में आप डिप का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोना। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना। फोन फ्रेंड, दोस्त को फ़ोन करना। देखो यहाँ पर एक फॉर्म भी अपने आप में एक वर्ब है ना। राइट अ लेटर, लेटर लिखना। बॉइल वाटर, पानी को गर्म करना, उबालना। ईट डोसा, डोसा खाना। टेक पिज्जा, पिज्जा खाना। वॉच मूवी, मूवी देखना। लिसन टू न्यूज, न्यूज़ सुनना। एडमिट मिस्टेक, मिस्टेक को एक्सेप्ट करना, कोई भी आपने गलती की है उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। कंप्लीट होमवर्क, होमवर्क को पूरा करना। गो टू मार्केट, मार्केट जाना। प्रिपेयर द फूड, खाना तैयार करना यानी खाना बनाना। पॉलिश द शूज, शूज पॉलिश करना। प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करना। अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड करना। और टीच द चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाना। ये सभी एक्शंस हैं, और ये जितने भी हैं 20 से 25 एक्शंस हैं, इन सबको यहाँ इन स्ट्रक्चरों में लगाना है आपको। किस में लगाना है? इन स्ट्रक्चरों में। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 स्ट्रक्चर। हमने बात कर ली थी 2 स्ट्रक्चर तक, अब हम तीसरे की बात करते हैं। हमने कहा कि क्या वो स्विमिंग पूल में डुबकी लगा के नहा चुके हैं, क्या वो स्विमिंग पूल में नहा चुके हैं? तो इसका मतलब है कि हैव दे टेकन अ डिप, क्या वे डुबकी लगा कर नहा चुके हैं? यस दे हैव टेकन अ डिप, हाँ वो डुबकी लगा के नहा चुके हैं। और नहीं नहाए तो कैसे बोलेंगे? नो दे हैव नॉट टेकन अ डिप, नहीं वो डुबकी लगा के नहीं नहाए, वो तो सिंपली नहा लिए हैं, यानी कि दे हैव टेकन अ बाथ, दे हैव नॉट टेकन अ डिप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या उसने कमरा सजा दिया है? हैज सी डेकोरेटेड द रूम, क्या उसने कमरा सजा दिया है? यस सी हैज डेकोरेटेड द रूम, हाँ उसने कमरा सजा दिया है। अगर सजा दिया है तो यस लगाएंगे, और नहीं सजाया है तो कैसे बोलेंगे? नो सी हैज नॉट डेकोरेटेड द रूम, उसने कमरा नहीं सजाया है। और नहीं सजाया है तो कोई दूसरा सजाएगा, इसके भी हम बात करेंगे। अच्छा लेकिन उससे पहले हम एक बात तो कह देते हैं, कभी कभी हम ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया फोन फ्रेंड, यानी दोस्त को कॉल करना। तो आपने कहा कि क्या तुमने, जैसे आपसे किसी ने कहा कि क्या तुमने उसको कॉल नहीं किया, क्या तुमने उसको कॉल नहीं किया, तो कैसे बोलेंगे इसको? क्या तुमने उसको कॉल नहीं किया, तो हैव यू नॉट कॉल टू हिम, जैसे हैव यू नॉट कॉल टू हिम। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि तुमने उसको कॉल क्यों नहीं किया,
तो कैसे बोलेंगे इसको, वाई हैव यू नॉट फॉन्ड टू हिम, वाई हैव यू नॉट फॉन्ड टू हिम, तुमने उसको कॉल क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब, इसका आंसर तो आप यस नो में तो दे नहीं सकते, या फिर कह नहीं सकते यस आई हैव कॉल टू हिम, नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि आपने इसको कॉल क्यों नहीं किया, इसका मतलब कॉल नहीं किया गया है। अब इसका आंसर प्रॉपर दिया जाएगा तो आप बोलोगे क्योंकि वो पहले ही आ चुका है, क्योंकि वो पहले ही आ चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में हम, क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज, बिकॉज बिकॉज ही हैज कम ऑलरेडी, वो पहले ही आ चुका है, बिकॉज ही हैज कम ऑलरेडी, वो पहले ही आ चुका है। इसका मतलब कि उसको हमने इसलिए कॉल नहीं किया कि वो पहले ही यहाँ पर आ चुका है। आप आंसर दे सकते हैं इस तरीके से, जब क्वेश्चन वाई वेयर ऐसे होंगे ना, जैसे कि वो कहाँ गया है, वो कहाँ गया है, तो वेयर हैज ही गॉन, तो ही हैज गॉन टू मार्केट, वो मार्केट गया है। देखो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेंटेंसेस लगाने हैं, समझते हैं ना चीज़ों को। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि इसके आगे भी हमें आंसर देना हो तो कैसे देंगे, ऐसे हैव यू वॉच द मूवी, क्या तुमने मूवी देखी है, यस आई हैव वॉच द मूवी, हाँ मैंने मूवी देखी है, लेकिन बट ही हैज नॉट। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लो पहले आप, ठीक है ना, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीन शॉट, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। बट ही हैज नॉट वॉच्ड मूवी, उसने मूवी ने मतलब उसने मूवी नहीं देखी है, यानी कि हैव यू वॉच्ड मूवी, क्या तुमने मूवी देखी है, यस आई हैव वॉच्ड मूवी, हाँ मैंने मूवी देखी है, बट ही हैज नॉट वॉच्ड मूवी, उसने मूवी नहीं देखी, ठीक है, मैंने देखी है, उसने नहीं देखी है, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा ऐसे ही आप यहाँ बोल सकते हो कि हैज ही गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट गया है, यस ही हैज गॉन टू मार्केट, हाँ वो मार्केट गया है, बट लेकिन सोरन हैज नॉट गॉन टू मार्केट, लेकिन सोरन मार्केट नहीं गया है, वह मार्केट गया है लेकिन सोरन मार्केट नहीं गया, यानी कि हो सकता है कि काम के लिए सोरन से कहा गया कि तुम्हें मार्केट जाना है, लेकिन वो मार्केट चला गया, सोरन नहीं गया है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हैव दे टेकन अ डिप, क्या वे डुबकी लगा के नहा चुके हैं, यस दे हैव टेकन अ डिप, हाँ वो डुबकी लगा के नहा चुके हैं, बट वी हैव नॉट टेकन अ डिप, वो डुबकी लगा के नहा चुके हैं लेकिन हम डुबकी लगा के नहीं नहाए हैं, यानी कि हमने डुबकी लगा के नहीं नहाया है, हम नहीं नहाए हैं, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट वी हैव नॉट टेकन अ डिप, क्लियर हो गया, ऐसे ही ऐसे हो गया। सी हैज सी डेकोरेटेड अ रूम, क्या वो रूम सजा चुकी है, यस सी हैज डेकोरेटेड द रूम, हाँ वो रूम सजा चुकी है, बट आई हैव नॉट डेकोरेटेड द रूम, वो रूम सजा चुकी है लेकिन मैंने रूम नहीं सजाया है, मैंने रूम नहीं सजाया है। जैसे कि आपने किसी से, किसी ने पूछा कि क्या वो, क्या उसने कमरा सजा दिया है, तो आपने आंसर दिया हाँ जी उसने कमरा सजा दिया लेकिन मैंने नहीं सजाया। तो सारी चीज़ हमें इंग्लिश में बोलनी है। तो ये देखो, मैंने इसको बढ़ाने का पर्पज मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाए। देखिए एक ये हो गया, दो, थ्री, फोर और ये फाइव, ये फाइव स्ट्रक्चर हो गए, और फाइव स्ट्रक्चर्स में ये आपके एक्शंस हो गए, इनको इसमें लगाना, सिर्फ करना क्या है आपको, एक्शन लगाना है, यानी कि ये जो है जैसे वॉच द मूवी, गो टू मार्केट, टेकन अ डिप, ठीक है, डेकोरेट द रूम, ये सब एक्शन है, और एक्शन यहाँ से उठाना है और यहाँ लगाना है। क्लियर हो गया गाइस आपका, इतना करना है आपको, और उसके बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस की बात रहेगी, सर हम इन सेंटेंसों को बोले कैसे, देखिए आप एक मिरर के सामने बैठे, ये मिरर के सामने बैठने के बाद में आप उसको बोल के देखिए कि आप बोलते समय कैसा फील कर रहे हैं, आप खुद ही बोलिए, जैसे आप खुद ही आंसर क्वेश्चन करेंगे, खुद ही आंसर देंगे। कैसे, जैसे आपने कहा कि हैव यू टेकन अ लंच, यस आई हैव टेकन अ लंच, नो आई हैव नॉट टेकन अ लंच, बट ही हैज टेकन अ लंच, आपको इतना बोलना है, और ऐसे ही सब स्ट्रक्चर के साथ में सभी एक्शंस लगाने हैं, एक घंटे में सारे एक्शंस लग जाएंगे और आपकी हैबिट में आ जाएगा ये। क्लियर गाइस। अच्छा
अगर आपने इससे पहली वीडियो टेंस की नहीं देखी है तो इस प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं कि जिससे कि हमारी ये हैबिट में आ चुके कि हमें है जब कहाँ लगाना है, एजआरएम कहाँ लगाना है, डूडज कहाँ लगाना है, क्योंकि मैं अब तक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट ये करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।